प्रिय मुख्यमंत्री माने विशेष तो नवीन पटनायक एठी भुवनेश्वर रे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अछि ता भितरे तार पार्ट ऑफ इट जोटा अछि हमर सम्मानित मो सेवा केंद्र ताको उद्घाटन करछन्ति आपण माने जानिथिबे विगत दिन रे पक्कापक्की डेढ़ वर्ष रु ऊर्ध्व हबो ओडिसा रे मो सेवा केंद्र प्रचलन करा जायछि जेउठी विभिन्न डिपार्टमेंट रो विभिन्न सर्विसेस ताको लोकमानकर उद्देश्य रे ताको लोकार्पण करा जायतला प्रत्येक पंचायत में गोटे गोटे मो सेवा केन्द्र करने आम टार्गेट रखा जाता है और ये भुवनेश्वर में पाखापाखि 30 मो सेवा केन्द्र रही कि समन्वित सेवा केन्द्र टे विशेष भूमिका रही कारण जेकोसी लोक आसू पर्सनल आसीस्टेड सर्विसेस तक मिले जो मैंने अच्छा मो सेवा केन्द्र से व्यक्तिगत भाव में से लोक को सहयोग करेंगे भावतु कौन भी कार्ड किसी रेस्ट्रिक्शन अच्छी किंवा किसी बिल पैठ कर डायरेक्ट पचारे तार कंज्यूमर आईडी ये सब जिन कंप्यूटर मध्यम से सेवा जोगा दीजिए आम रेट चार्ट पब्लिकली पोस्ट कराई जोटा कि क्या मध्य किसी कौन सन्देह रही ना प्रकृत कौन जगार जो कंप्यूटर मध्यम आप देखते कौन सेवा जोगा दी जाए 20-50 टाँग 100 टाँग 200 टाँग एम मागि देता लोक मैंने सन्देह पड़ता है प्रकृत सरकार पाक जाऊँच ना दुकान पाक जाऊँच ये समस्त कथ क्लीयरली मेनसन कराई और आगामी दिन में केवल यही बापूजी नगर कथा नुहे भुवनेश्वर विभिन्न जगार प्लाटफर्म जोगा दू जहाँ लोक विभिन्न सेवा गुड़ी आज सहजर से आज माननीय मुख्यमंत्री हाथ में सहरांचल समन्वित मो सेवा केन्द्र भुवनेश्वर से उद्घाटन करा यहाँ गोटे सेंटर जो थे कि आप पाखापाखि सरकार समस्त सेवा जदि देखिए 100 रु ऊर्ध सेवा ये लोक मैंने पाई जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री 5G अंतर्गत जे डोर स्टेप डिजिटल सेवा जोगे देबे आज से ही क्रम जो समन्वित मो सेवा केन्द्र टी उद्घाटन कर भुवनेश्वर से आउ 30 मो सेवा केन्द्र रही किंतु ये जो समन्वित सेवा केन्द्र में पाखापाखि 100 रु ऊर्ध जदि देखिए सेवा जोगे दिया हो तार रेट चार्ट रही कहीं मत क्या एक्सप्लोइट करें लोक मैंने बहुत भल भाव आसी सेवा पाइबे से स्मार्ट सिटी लिमिटेड तरफ ये जो व्यवस्था करा करें समस्ते आशा करूँ जे सहरांचल प्रत्येक अधिवासी आर मानने सुजोग ने निश्चित भाव में लाइफ अनेक सेवा जो थे से वंचित हो जाती अनेक कारण ताको आउ हबनी आउ बहुत भल भाव से सेवा पाई डोर स्टेप।